हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था जूनागढ़ से। मेरा आगे का आप क्लिप देख लेना, उसमें मैंने जूनागढ़ की पूरी सीरीज़ है और हम लोग जूनागढ़ की जो मीटर गेज ट्रेन है जंगलों से जो जाती है वो ट्रेन का सफ़र किया। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोगों ने चीप, बिल्कुल चीप वे में हम लोग जूनागढ़ से दीव पहुंच गए थे। ये आकस्मिक ही हो गया था। एक्चुअली हमको जूनागढ़ टू सासनगीर से वापस जूनागढ़ जाना था, फिर आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग पहुंच जाए दीव, तो हम पहुंच गए दीव। एक लींबू पानी अपन। फिर हम लोग वहाँ पे बाइक ढूंढ रहे थे, आपको वहाँ पे बाइक एक्टिवा रेंटेड आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको उतर के यही काम करना है कि कोई भी प्राइवेट व्हीकल आपको ले लेना है, मगर हमको किसी भी जगह पे हमको प्राइवेट व्हीकल नहीं मिला। हम आज आ गए हैं दीव में और दीव में सारा टूरिस्ट प्लेस देखेंगे। अभी हम खाना खाने के लिए बैठे हैं अपना होटल में, वहाँ पे हमने पंजाबी डिश मंगाई है, देखते हैं कैसी है यहाँ पे। और आपको अगर बाहर बैठना हो तो बाहर भी बैठ सकते हो, और अगर इस तरह से एसी है तो उसमें भी आप बैठ सकते हो। हमको कहीं पे भी बाइक रेंटेड सबसे पहले नहीं मिले थी, मगर हम लोग जहाँ पे खाना खाने के लिए गए थे उसी जगह पे हमने वहाँ पे लोकल थे कोई लोग, उनसे पूछा था तो उन लोगों ने हमें बाइक अरेंज करके दे दिया था। तो अगर आपको कहीं पे बाइक नहीं मिले तो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, या फिर ऐसे किसी लोकल को पूछोगे तो आपको बाइक का अरेंजमेंट मिल जाएगा। वैसे आप सुबह सुबह 11 बजे से पहले आप बाइक रेंटेड ले लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आपको बाइक आसानी से मिल जाएगी। 400 के आसपास कुछ उसका रेंट होता है। दीव का जो सबसे फेमस जो बीच है वो है नागवा बीच है, और नागवा बीच के थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको गोमती बीच मिलेगा, मगर आपको नहाना है, वाटर स्पोर्ट करना है तो उसके लिए बेस्ट जो जगह है दीव की वो है नागवा बीच। और मुझे पर्सनली अच्छा लगता है गोमती बीच, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत सारे गोमती चक्र मिलते हैं इसीलिए। ओके, ये गोमती बीच है, यहाँ पे हम लोग गोमती चक्र ढूंढेंगे।